हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम बात करेंगे इस पे पुरस्कार और सम्मान, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार और सम्मान होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान के बारे में, इंटरनेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स एंड दी राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। फिर बात करेंगे लास्ट में सौर सम्मान क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल स्टेट से जो भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरआरबी, एनटीपीसी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपी SSSC, एमपीपीएफसी, बिहार दिल्ली पुलिस, डीएसएसपी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, आल जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव, सभी के लिए, सभी में क्या होता है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, यहाँ पर हम पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान के बारे में, इंटरनेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। आप अपने आप को यहाँ से जांच सकते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। निम्न में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड, क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, इससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा इन द एग्जाम। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी, लिटरेचर में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, मेडिकल फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में और इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, इन तीनों में नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसमें हम इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे किस में दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। यहां पर आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, ये किसकी याद में दिया जाता है, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। क्यों, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट की खोज की थी। तब से क्या हो रहा है, इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद तब से क्या होता है, लगभग पाँच साल बाद से क्या हुआ था, ये पुरस्कार दिया जाने लगा, कौन सा, नोबेल पुरस्कार। ओके, यहाँ पर और देख लें, एडिशनल जानकारी है आपके लिए, जो अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में डायनामाइट के आविष्कार में खूब दौलत कमाई थी, इन्होंने बहुत पैसा कमाया था। 1895 में इन्होंने एक वसीयत में लिखा था, इनका जो धन था, जो इन्होंने जो कमाया था डायनामाइट का आविष्कार करके, इनमें बहुत सारा पैसा मिला था, बहुत सारा धन मिला था। इन्होंने कहा था अपनी वसीयत में कि इनके जो पैसे हैं, इनका पैसा, इनके पैसे से पुरस्कार दिए जाएँ या प्राइज दिए जाएँ, तो इनका पैसा किस में यूज किया जाएगा, मतलब प्राइज देने में यूज किया जाएगा, वो कौन सा प्राइज होगा, नोबेल प्राइज देने में यूज किया जाएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल विजेताओं के नामों की घोषणा आमतौर पर अक्टूबर में होती है, जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इसकी जो अनाउंस होता है वो अक्टूबर महीने में होता है। फिर जो नोबेल पुरस्कार की जो बरसी होती है, ये 10 दिसंबर को, उसी दिन क्या होता है, स्टॉकहोम और ओस्ला में, स्टॉकहोम ये यूरोप के कंट्री हैं, स्टॉकहोम और ओस्ला में क्या होता है, 10 दिसंबर वाले दिन क्या होता है, ये बांटे जाते हैं या दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़। घोषणा कब होती है, अक्टूबर में होती है, और ये 10 दिसंबर 1896 ये बरसी होती है, मतलब अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को हुई थी, और इसी वजह से क्या हुआ, इनके मरने के बाद ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1901 से लगातार दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन विच फील्ड, क्या होगा इसका आंसर। इसका जो ऑप्शन सी राइट आंसर है, नोबेल प्राइज जो होता है वो खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, स्पोर्ट के फील्ड में नहीं दिया जाता, बाकी शांति के, चिकित्सा के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी फील्ड में दिया जाता है। आपको इसमें डिफरेंट बताना था जिसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो वो स्पोर्ट के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और किस किस फील्ड में दिया जाता है, मात्र ये 6 फील्ड में दिया जाता है अभी तक, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये मात्र केवल 6 फील्डों में दिया जाता है, और इतने ही फील्डों में अभी तक दिया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से ये दिया जा रहा है। किस किस फील्ड में दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और
अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इंग्लिश में देख सकते हैं आप लिटरेचर, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड दी पीस में दिया जाता है, पीस के फील्ड में दिया, मतलब शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इतने फील्डों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, हर साल प्रतिवर्ष दिया जाता है। घोषणा कब होती है? अनाउंसमेंट अक्टूबर में होता है। दिया कब दिया जाता है? इन्हें 10 तारीख को दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, कई बार पूछा गया था नोबेल जो पुरस्कार इसकी कब शुरुआत हुई थी, 1901 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, जो लोग विजेता होते हैं ना लिटरेचर या इकोनॉमिक्स शांति के क्षेत्र में, इसमें जो पैसे दिए जाते हैं ना वो है 11.18 लाख डॉलर दिए जाते हैं, या रुपये में बात करेंगे 8.15 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। 8 करोड़ 15 लाख रुपए दिए जाते हैं नोबेल प्राइज के विजेताओं को। ओके, ये बात भी आपको ध्यान में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थ्री पे मेंशन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज अवार्डेड, किस में दिया जाता है, आप बता सकते हैं अपना आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर डी है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। द ऑस्कर अवार्ड इज गिवेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन से पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं, जो करेंटली पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए रूट्स ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, तब पढ़ने में आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में मजा आएगी। ओके, यहाँ पर आप समझ लें कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो ऑस्कर किस में दिया जाता है? ये फिल्म के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत पूछा जाता है ये। इन विच फील्ड इज द कलिंगा अवार्ड इज गिवन, क्या बताएंगे आप इसका आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? साइंस के क्षेत्र में, मतलब कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लें आप जल्दी से अपना आंसर बताएं। बुकर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ब्रूकर प्राइज अवार्डेड, क्या होगा राइट आंसर इसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लिटरेचर क्षेत्र में कहें या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर प्राइज। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, पढ़ लें आप अच्छे से अपना आंसर बता सकते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द ग्रैमी अवार्ड गिवेन, क्या होगा राइट आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका ए, कहाँ? म्यूजिक के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है भैया वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। द रमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, क्या होगा राइट आंसर इसका? बता सकते हैं आप अपना आंसर जल्दी से? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, इन सभी क्षेत्र में दिया जाता है, सरकारी सेवा, जनसेवा, अंतर्राष्ट्रीय समत के क्षेत्र में दिया जाता है। इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख लें ये गवर्नमेंट सर्विस में दिया जाता है, पब्लिक सर्विस में दिया जाता है, इन द फील्ड ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 9, पढ़ लें आप जल्दी से आंसर बताएं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी पीस प्राइज इज गिवेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, किसमें दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, क्या? इंटरनेशनल अवार्ड है, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ही पढ़ रहे हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो बताएं भाई कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत रत्न पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय पुरस्कार है। ओके, कलिंग पुरस्कार ये इंटरनेशनल पुरस्कार है, इंटरनेशनल अवार्ड। नोबेल पुरस्कार इंटरनेशनल है, महात्मा गांधी इंटरनेशनल है। मोस्टली लोग क्या करते हैं इसे कट करके आ जाते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न नहीं है, बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कौन सा राष्ट्रीय है। ऊपर जो हमने कवर किया है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ लें अच्छे से और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, क्या होगा राइट आंसर इसका। भारत रत्न जो दिया जाता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आर्ट में, कला में, खेल में, स्पोर्ट्स में, साहित्य लिटरेचर में, इसलिए ऑप्शन डी होगा। भारत रत्न इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पर आप देख लें और कौन कौन से क्षेत्रों में भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है किसमें नहीं दिया जाता है, इनके अलावा जो होगा वो आंसर गलत होगा। कला में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विशिष्ट सेवा एवं जन सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है आपको। कौन सा पुरस्कार? ये पुरस्कार भारत रत्न। ओके, यहाँ पर आप देख सकती हैं ये सबसे पहले किसे दिया गया था, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम्स में। भारत रत्न जो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महापुरुष थे उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा चुका है, ट्रेड में, आर्मी ट्रेड और जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है यहाँ पर कब दिया गया था पहली बार ये भारत रत्न पुरस्कार, 1954 में। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 से हुई थी। ईआर याद रखो पहला व्यक्ति कौन था, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, लेकिन तीन लोगों को दिया जाता है। किनके कौन? तीन लोगों को। ये व्यक्ति मेंशन है यहाँ पर, श्री राजगोपालाचारी को दिया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया जाता है, सीवी रमन को दिया जाता है। इन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तीन व्यक्ति को सबसे पहले 1954 में दिया गया था, लेकिन जब ये तीनों दे दिए जाएं आपको एक साथ तो आपको बताना होगा पहले नंबर पे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, लेकिन सभी को दिया गया था 1954 में, लेकिन पहले नंबर पे कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 नंबर पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, क्या होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 13 पे मेंशन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या लिखा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो किस में दिया जाता है, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? ज्ञानपीठ जो अवार्ड होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, वो लिटरेचर के क्षेत्र में, या साहित्य कहें, इसी को हिंदी में साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, आप पढ़ लें अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड द सरस्वती अवार्ड गिवन, क्या बताएंगे आप अपना आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्या? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन को आप पढ़ लिया करें अच्छे से, तब अपना आंसर बताया करें, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नोट एक बात का ध्यान रखें, जब आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब आप बताएंगे सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब सामाजिक सद्भावना जो व्यक्ति फैलाते हैं या सामाजिक एकता फैलाते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? कबीर पुरस्कार दिया जाता है। और सरस्वती पुरस्कार कब दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस में, आर्मी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द अर्जुन अवार्ड गिवन, क्या होगा इसका राइट आंसर। अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ? इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। आपको ध्यान रखना है दो पुरस्कार होते हैं, एक होता है ये द्रोणाचार्य, एक होता है अर्जुन पुरस्कार। जब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार तब आप बताएंगे कि ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर,
यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इन विच फील्ड इज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवेन, तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। जब द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें पुरस्कार के बारे में, तब ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, अर्जुन दिया जाएगा ये खेल के क्षेत्र में, और प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य और खेल के क्षेत्र में अर्जुन। यहाँ पर देख सकते हैं नोट पे लिखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, अभी बांटे गए थे, आपको पता होगा राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार या अवार्ड होता है, जो लोग जो स्पोर्ट में सराहनीय प्रदर्शन करते हैं मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं उनको दिया जाता है, कौन सा, राजीव गांधी पुरस्कार। तो आपको ध्यान रखना है खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो खेल में सराहनीय कार्य करेंगे मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनकी सराहना बहुत होती है, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, आप पढ़ लें क्वेश्चन अच्छे से फिर अपना आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लिखा है बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग अवार्ड इज गिवेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत का जो क्या नाम इसमें जो कृषि के क्षेत्र में होता है, कृषि का जो जनक माना जाता है, जो पहला पुरस्कार दिया गया था तो वो किसे दिया गया था, MS स्वामीनाथन, और जो कृषि के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन किया था जिन्होंने वर्ल्ड में, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, उन्हीं के याद में ये दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, सॉरी इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है मतलब कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। किनकी याद में दिया जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। भारत में जिस तरह अमेरिका में माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, उसी तरह भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय पैदावार होती है ना उसके लिए दिया जाता है, कौन सा, आपको एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है, इससे कृषि के क्षेत्र से संबंधित है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा 18, आप पढ़ लें अपना आंसर बताएं। यहाँ पर मेंशन है धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये एक चिकित्सक थे, धनवंतरी कौन थे, एक चिकित्सक थे, ये मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार, धनवंतरी पुरस्कार, ओके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ें अपना आंसर बताएं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, इन विच फील्ड इज द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड गिवेन, क्या बताएंगे आप इसका राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या है ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में, कौन सा पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, आप पढ़ लें अच्छे से हिंदी इंग्लिश में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 आप पढ़ें अपना आंसर बताएं। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन पढ़ लें आप अपना आंसर बता सकते हैं, इन विच फील्ड इज द गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड गिवेन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सर्वश्रेष्ठ जो सांसद होते हैं उनको दिया जाता है, जो अच्छा कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है, बेस्ट MP को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, कौन सा अवार्ड, गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन नोट पे एक बात मेंशन है, चमेली देवी पुरस्कार जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 21, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे मेंशन है व्यास सम्मान, यहाँ पर है व्यास सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें, लिटरेचर के क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी आपके लिए मेंशन है, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ये सभी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ से आप लिख लें साहित्य के क्षेत्र में मतलब लिटरेचर के फील्ड में कौन कौन दिए जाते हैं, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान, ये लिटरेचर के फील्ड में या साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम शौर्य सम्मान के बारे में, किसके बारे में, शौर्य सम्मान के, ये भारत में दिए जाते हैं अपने ध्यान रखें,
भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज द इंडिया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, क्या बताएंगे आप इसका राइट आंसर? जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो सबसे ज्यादा ब्रेवरी में दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र दिया जाता है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, जब पूछा जाए भारत का सबसे सबसे मतलब जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है, तब आप बताएंगे भारत रत्न। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है तब बताएंगे भारत रत्न, जब उसके साथ वीरता लग जाए तब आप बताएंगे कौन सा? परमवीर पुरस्कार। ओके, ये फर्स्ट श्रेणी का है, पहली श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ें अपना आंसर बताएं। निम्न में से द्वितीय श्रेणी का वीरता पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? वीरता का है या पराक्रम पुरस्कार का है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, महावीर चक्र। पहली श्रेणी का परमवीर चक्र होता है, द्वितीय श्रेणी का सेकेंड क्लास का वो कौन सा होता है? महावीर चक्र होता है। ये भी वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आपसे इस तरह पूछा जाता है, द्वितीय श्रेणी का बताइए, फर्स्ट श्रेणी का बताइए, तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट श्रेणी में ये परमवीर, सेकंड श्रेणी में ये महावीर चक्र आता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। निम्न में से तृतीय श्रेणी का परमवीर या पराक्रम या वीरता पुरस्कार कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड क्लास माइट आर द गैलेंट्री अवार्ड, जो तीसरे नंबर का है वो कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वीर चक्र। क्या यहाँ पर आप लिख लें? वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये सभी ध्यान रखनी है कि कौन पहले नंबर का है गैलेंट्री अवार्ड, कौन सा सेकंड नंबर का है, कौन सा थर्ड नंबर का। परमवीर पहले नंबर का और महावीर ये सेकंड नंबर का है, और थर्ड नंबर का कौन सा है? वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, पहले नंबर का परमवीर, सेकंड नंबर का महावीर, थर्ड नंबर का वीर चक्र। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनके नाम और कौन से नंबर के हैं। ओके, कब दिए जाते हैं ये बात आप समझ लें। यहाँ पर एक बात है आपके लिए, अशोक ये जो चक्र भी बात किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो लोग काफ़ी ज़्यादा गैलेंट्री प्रदर्शन करते हैं, वीरता दिखाते हैं सेनाओं में, उनको में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अशोक के बारे में बात करते हैं, अशोक चक्र यहाँ पर नोट पे मेंशन है, ये थल जल नभ में पराक्रम आत्म बलिदान की अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। कौन सा? अशोक चक्र। ये जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये जो अच्छा कार्य प्रदर्शन करती हैं, सराहनीय कार्य करती हैं, अपना आत्म बलिदान करते हैं, उनको अशोक चक्र से नवाजा जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना होगा इसका आंसर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर मेंशन है, निम्न में से गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवेन ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे। यहाँ पर तीन पुरस्कार दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एक नहीं दिया जाता, वो आपको बताना होगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए अच्छे अच्छी क्वालिटी के अच्छे नॉलेजबल वीडियो अपलोड होंगे हमारे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, और उस पर हम उनके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, और इसमें हम आप करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, इसी अवार्ड से सम्मिलित जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली इस पर एक टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।